Dear students, Assalamu Alaikum. In the last few lectures, we have been customizing our vendor, in, vendor information and creating custom fields. We have also been able to delete, make inactive, and merge vendors. Now that we have gone through all the different processes that we can do with a vendor, finally we have come to a report where we are going to use the customized field that we created in our last lecture. पिछले लेक्चर में हमने अपने वेंडर के लिए दो एडिशनल फील्ड्स ऐड किए थे सिस्टम में वो एडिशनल फील्ड्स कौन कौन से थे वो ये थे कि किस टाइप की स्टील ये वेंडर हमें सप्लाई करता है और किस टाइप का सीमेंट ये हमें सप्लाई करता है बनाने की रीज़न भी यही थी कि हमें अक्सर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि पर्टिकुलर ब्रांड की ये पर्टिकुलर टाइप की स्टील या सीमेंट हम हमें कौन सा वेंडर सप्लाई कर सकता है और हम इसके ऊपर फिल्टर लगा के चेक कर सकें और ढूंढ सकें उन वेंडर्स को जो कि एज़ पर रिक्वायरमेंट सप्लाई कर सकते हैं ये रिपोर्ट अक्सर और बेशतर चाहिए होती है और याद रहे ये फिक्स रिपोर्ट नहीं है कभी आपको किसी ख़ास ग्रेड का स्टील चाहिए होगा कभी कि आपको किसी ख़ास टाइप का सीमेंट चाहिए होगा एज एन वेन रिक्वायर्ड आप फिल्टर चेंज करें और नई रिपोर्ट तैयार लेकिन याद रहे जब भी आप एक नई रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें नए फील्ड्स जो आपने क्रिएट किए हैं मौजूद होंगे तो याद रहे ये रिपोर्ट पहले से आपके क्विक बुक्स में मौजूद नहीं होगी इस नई रिपोर्ट को आपने सेव करना है एक नए नाम से अपनी रिपोर्ट्स की आर्काइव में अपनी रिपोर्ट्स की लिस्ट में और ये रिपोर्ट हमेशा लिस्ट डाउन हुआ करेगी विद दैट नेम जो आप उसके लिए चूज करेंगे जो आपने नया नाम इस रिपोर्ट को देंगे वो नया नाम क्विक बुक्स की लिस्ट में नज़र आएगा सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टूडे इज़ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कस्टमाइज रिपोर्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट फिल्टर्ड एज पर आर नीड्स एंड फाइनली वी आर गोइंग टू

ख़ास सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफा किया था और उसमें टाइप ऑफ स्टील डाला था इस सप्लायर के पास हमने क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायर है और ये हमें बिल्डिंग मटेरियल में स्टील भी देता है और बिल्डिंग मटेरियल में हमें सीमेंट भी देता है क्योंकि ये हमें दोनों चीज़ें सप्लाई कर रहा है इसलिए इसके पास इन दोनों फील्ड्स में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या डेटा मौजूद है अब हम एक कस्टमाइज रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे जब भी हम रिपोर्ट बनाने जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है गो टू रिपोर्ट्स क्लिक और आपके पास ये सारी की सारी लिस्टेड टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आ गई क्योंकि हमारी रिपोर्ट वेंडर से एसोसिएटेड है इसलिए हम वेंडर्स एंड पेबल को क्लिक करेंगे और इसके सामने जो डिटेल्स है उसमें से हम आखिरी रिपोर्ट वेंडर कॉन्टैक्ट लिस्ट को चूज़ करेंगे जब आप वेंडर कॉन्टैक्ट लिस्ट को चूज़ करते हैं तो ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नज़र आना शुरू हो जाती है लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें अपने लिहाज से इसको कस्टमाइज़ करें दो नई फील्ड ऐड करें इसको फिल्टर करें और आखिर में इसको एक नए नाम से सेव करें और चेक करें कि ये रिपोर्ट्स की लिस्ट में आया है कि नहीं जब हम कस्टमाइज़ रिपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट है जो कि यहाँ मौजूद है इसको हम जहाँ जहाँ टिक लगा हुआ है और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं रीज़न बीइंग हम अपने लिहाज से ये रिपोर्ट बना रहे हैं जैसे ही हमने वो टिक मार्क हटाए आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट सुकड़ के उन फील्ड्स पे मुहित रह गई है जो हमने वहाँ रहने दी है। लेकिन ये वो फील्ड्स हैं जो कि क्विक बुक्स के अपने फील्ड्स हैं दीज आर नॉट कस्टमाइज फील्ड्स नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ऐड टू एडिशनल फील्ड्स जो हमने कस्टमाइज क्रिएट किए थे लेट्स अगेन गो टू कस्टमाइज रिपोर्ट इस बटन को आपने दबाना और आपने वो दो फील्ड्स ढूंढने जो हमने अभी क्रिएट किए और इनको आपने ये टिक मार्क लगाना ये देखे ये टिक ये टिक इसका मतलब है नाउ यू हैव इन दीज टू फील्ड्स विच आर गोइंग टू बी एडेड टू योर रिपोर्ट ओके कहें और जैसे ही आपने ओके किया जहाँ जहाँ आपने वो इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी आपके पास मौजूद है जहाँ जहाँ आपने लिखा था पोर्टलैंड सीमेंट वो इस लिस्ट में आ रहा है जहाँ जहाँ आपने सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट लिखा है वो भी आपको नज़र आ रहा है और इसी तरह टाइप ऑफ स्टील में भी आपको जो जो ग्रेड के आपने मुख्तलिफ स्टील्स रजिस्टर किए थे अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वेंडर वो आपको नजर आ रहे हैं नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फिल्टर दीज रिपोर्ट्स एज पर आर रिक्वायरमेंट अब आप ये देख सकते हैं कि हम जब कस्टमाइज रिपोर्ट में जाते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट खुलता है लेकिन इसमें डिस्प्ले के अलावा अगला जो टैब नजर आ रहा है वो है फिल्टर्स का नाउ द फिल्टर वी आर गोइंग टू यूज़ इज बेसिकली ऑन आर कस्टमाइज फील्ड कस्टमाइज फील्ड हमने बनाई इसीलिए है कि उसके ऊपर हम अपना फिल्टर लगा सकें और ये पहला फिल्टर हम लगा रहे हैं टाइप ऑफ सीमेंट पे अब हम यहाँ लिखने लगे हैं वो की वर्ड जिसके ऊपर ये फिल्टर होगा एज यू कैन सी कि इसका मतलब यह है कि हम टाइप ऑफ सीमेंट पे जो वेंडर्स देखना चाह रहे हैं वो सिर्फ वो वेंडर्स देखना चाह रहे हैं जो हमें पोर्टलैंड सीमेंट सप्लाई करते हैं जैसे ही हमने ओके किया पूरी लंबी लिस्ट में से फिल्टर होके हमें वो दो सप्लायर नजर आने लगे हैं जो हमें पोर्टलैंड सीमेंट सप्लाई करते हैं सिमिलरली वी कैन यूज़ अनदर फिल्टर रिमूव सिलेक्टेड फिल्टर पोर्टलैंड की जगह हम कहते हैं सल्फ़ेट तो हमारे पास जो हमारे सप्लायर सल्फ़ेट रेजिस्टेंट सीमेंट हमें सप्लाई करते हैं उनकी लिस्ट आ गई इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे यूज़र्स की लिस्ट आए जो हमें स्टील सप्लाई करते हैं और वो भी ग्रेड 60 की ना यू कैन सी ऑल दोज सप्लायर्स और वेंडर्स हु डील विथ ग्रेट सिक्सटी स्टील आर नाउ लिस्टेड ऑन योर स्क्रीन ये तमाम हमारे वो वेंडर्स हैं जो हमें इस टाइप की स्टील फ्राहम करते हैं याद रहे ये कस्टमाइज रिपोर्ट जो आप बना रहे हैं ये आप किसी भी फिल्टर के साथ या एक से ज़्यादा फिल्टर्स के साथ देख सकते हैं अब जब हमने ये कस्टमाइज फील्ड बना ली है तो हम चाहेंगे कि ये सिस्टम इसे याद रखें और एज एंड वेन रिक्वायर्ड हम इसको रिकॉल कर लें उसका तरीक़ेक ये है एज़ फार एज क्विक बुक्स इज़ कंसर्न उसका एक ख़ास नाम होता है उसे कहते हैं मेमोराइज। जब आप मेमोराइज करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि इस रिपोर्ट का आप नाम क्या देना चाह रहे हैं हम देना चाह रहे हैं सप्लायर्स ऑफ ग्रेट सिक्सटी स्टील जैसे ही हमने सेव किया नाउ दैट रिपोर्ट इज़ अवेलेबल टू अस एंड कैन बी सीन हम इस रिपोर्ट को एक नए नाम से सेव करना चाहेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करते हैं तो हमें उसे सेव करने के लिए मेमोराइज़ का बटन दबाना होता है जब आप मेमोराइज़ का बटन दबाएंगे तो ये रिपोर्ट वहाँ सेव हो जाएगी सारी डिटेल नया नाम अब आपकी ये रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट लिस्ट में मौजूद है आए देखते हैं रिपोर्ट्स में जाएं और सबसे ऊपर दिए गई मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स को चेक करें इसमें वो तमाम स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स पहले से मौजूद हैं और अगर कोई नई रिपोर्ट आपने क्रिएट की है तो वो भी यहाँ लिस्टेड होगी हमने जो रिपोर्ट बनाई थी इफ़ यू रिमेंबर उसका नाम था सप्लायर्स ऑफ ग्रेट सिक्सटी स्टील नाउ दैट कस्टमाइज रिपोर्ट इज लिस्टेड इन योर रिपोर्ट्स और ये मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स की लिस्ट में आपकी कस्टमाइज रिपोर्ट विद योर कस्टमाइज फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल क्लिक करें और आपके पास वो रिपोर्ट सामने आ गई अब आपके पास ये रिपोर्ट है और इसको आप वंस अगेन जिस तरह चाहें दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं दिस रिपोर्ट इज़ रीयूजबल कस्टमाइज़ रिपोर्ट में जाएँ फिल्टर करें यह हमने ख़त्म करना है और यहाँ हमने नया फिल्टर लगा रहा है वेन एवर यू पोट इन अ न्यू फिल्टर बड़ी आसानी से रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी कुछ नहीं करना डेटा सारा मौजूद है ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ द एग्जिस्टिंग कस्टमाइज रिपोर्ट एंड बिल्डअप रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज रिपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा कस्टमाइज फील्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं एडिशनल जो आपने डाले हैं और बेस्ड ऑन दैट आप अपनी रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं एज इन वन रिक्वायर्ड सो नाउ यू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ एडिंग कस्टमाइज फील्ड क्रिएटिंग कस्टमाइज रिपोर्ट एंड सेविंग इट सेज फार एज क्विक बुक्स इज कंसर्न इज कॉल्ड मेमोराइजिंग हम दूसरे अपने जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें चीज़ें सेव करते हैं यहाँ सेव करने को किसी रिपोर्ट को मेमोराइज करना करते हैं जैसे ही आपने मेमोराइज़ किया इट इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड अंडर द रिपोर्ट्स लिस्ट एंड यू कैन री यूज इट एज एंड वेन रिक्वायर्ड सो दिस बेसिकली कवर्स अप एवरी थिंग यू नीड टू नो अबाउट वेंडर्स हाउ टू एडिट दैम हाउ टू एड दैम How to create customized fields and based on these fields, create a report which you can filter as per your requirement and needs anytime you want to. That is all for today. Thank you very much.